एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एनएचएम की जो एम्प्लॉयज़ थे लगातार पिछले 11 दिन से हॉस्पिटल के बाहर जो थे प्रदर्शन कर रहे थे। बारिशें भी आई, सर्दी भी बहुत थी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अलग अलग जो दल थे इनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन प्रशासन को जो मदद करनी चाहिए थी, यानी कि इनकी जो डिमांड थी पक्का करने की थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक महीने का जो वक्त था वो दिया इनको, ट्वीट करके वो बताया था। लेकिन आज ही अपनी जो कॉल है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सर मुझे ये बता दें आप कि आज आप कॉल ख़त्म कर रहे हैं किस तरह से, और जो लोग हैं जो 1600 बच्चा उस किस तरह से आप उनको बताएंगे कि अपनी अपनी जो ड्यूटी है वहाँ पर जाएं आप? सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करूँगा क्योंकि आपके माध्यम से ही आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाते आए हैं। तो आज का जो हमारा जो कोर ग्रुप था उसने ये डिसाइड किया, जो हम पिछले 10-11 दिनों से स्ट्राइक पे थे, उन्होंने ये डिसाइड, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जितने भी केसेस राइज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, जो जब से कोविड जो है हमारा नॉर्मल चला गया था, अब कोविड के जो चांसेस हैं वापस पीक पे आने के वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे कोर ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कोविड वॉरियरों की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आम जनता को इस टाइम पे है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जहाँ जहाँ पे भी हमारी ड्यूटी हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पे जाएं, क्योंकि अगर हम ही ऐसा करेंगे तो ये अपने प्रोफेशन के साथ एक किस्म का धोखा होगा। जब हमने ये तालीम ली थी तब हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपने खाली जॉब के लिए आपने काम करना है या पैसों के लिए काम करना है, तब हमें ये भी तालीम दी गई थी किसी ज़रूरतमंद की हमें हिफाजत करनी है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ यहाँ भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं वहाँ जाके दें, और LG सरकार और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कड़े शब्दों में कि अगर 3 महीने के अंदर आपने हमारी जॉब पॉलिसी बना के हमारे फ्यूचर को सिक्योर नहीं किया तो हेजिटेशन आपको जो देखने का मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आप हमसे फिर कोई ये नहीं, आप जिस तरह का हमने हेजिटेशन किया इसमें कोई वायलेंस नहीं किया, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट लेवल का होगा और आपकी साथ पूछते भी देखेंगे कि ऐसा हेजिटेशन जम्मू में हुआ कैसे। देखिए कोर ग्रुप की तरफ से ये जो कॉल है इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, और व्यक्ति हैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। इस वक्त जो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, देखिए ड्यूटी ज्वाइन करना यानी कि मौत को गले लगाना, क्योंकि कोविड जो है पीक पर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त कर्मचारी थे वो इस वक्त पॉजिटिव है, किस तरह से आप जाएंगे? और देखिए अभी तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, क्या लगता है आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ करेंगे इसके लिए? देखिए पहले तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी बात आगे तक पहुंचाते हो। दूसरी बात, जो आज हमने मतलब ये सिर्फ प्रोटेस्ट यहाँ पे जो कर रहे थे वो हमने ख़त्म करने की मतलब यहाँ पे अपील किया सबसे कि आप अपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो, क्योंकि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान के पूरे कंट्री में वर्ल्ड में इस टाइम कोविड की महामारी फैली हुई है। इस टाइम आम जनता को हमारी ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट हमें इन 3 महीनों की सैलरी भी नहीं देगी, हम वॉलंटियर काम करने के लिए रेडी हैं, हम करेंगे भी वॉलंटियर अगर हमारी सैलरी नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको पता है कि इन्होंने हमें 3 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है उसका हम गवर्नमेंट के वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। उसके बाद हम गवर्नमेंट को एक मतलब मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपने मतलब इन 3 महीनों में एक स्पेशल हेल्थ पॉलिसी NHM ECRP एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बनाई तो उसके बाद हम वॉलंटियर काम करेंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी कहना चाहते हो कि हमें वॉलंटियर भी ज़रूरत नहीं है, हम उसके बाद प्रोटेस्ट ऐसे होगा हमारा वो देखने लायक होगा पूरे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि हम प्रोटेस्ट कैसे करें। इनको पता ही है कि मतलब जैसे आप कह रहे हो कि अभी कोविड के केसेस ज़्यादा, एक साइड से अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साइड से जो मैन पावर है वो सड़कों पर है, मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी काम का नहीं है जब तक मैन पावर नहीं होगा। इनको मतलब देना ही देना है कंटिन्यूशन, अगर ये एक्सटेंड करेंगे भी वो 10 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, और कंटिन्यूशन जैसे 2005 से NHM एम्प्लॉयज़ को मिला जा रहा है कंटिन्यूशन, वैसे ही हमें भी कंटिन्यूशन मिलना चाहिए सर। देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक इतिहास है, जिस चीज़ में हाथ डाला है वो पूरी कराई, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लगातार जिस भी चीज़ को करने की कोशिश की है। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रकीक अहमद खान साहब मेरे साहब हैं, सादिक खान साहब आज इनके साथ अब जुड़े हैं, क्या अपील करेंगे गवर्नर साहब से, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उभर के आई थी और जिस भी काम में आपने हाथ डाला वो काम सफल हो गया, क्या लगता है आप इनकी बात आगे तक लेके जाएंगे? देखिए पहले तो आज हम काफ़ी 11 दिन से ये सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हम किसी न किसी तरीके से इनकी मदद कर रहे थे, चाहे फ्रंट फुट से मदद कर रहे थे या बैक से मदद कर रहे थे, इस एजिटेशन को पूरा हम लोग चला रहे थे। और साथ साथ जो दूसरी बात है कि इसमें सरकार ने भी झुकने का काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी झुकने का काम किया है और इन बच्चों को 3 महीने की एक्सटेंशन दी है। हम इस एक्सटेंशन का वेलकम भी करते हैं और साथ साथ विरोध भी करते हैं। विरोध हम इसलिए करते हैं
क्योंकि ये कोई स्पेशल अल्टरनेटिव हल नहीं है। हम सरकार से, एलजी साहब से अपील करते हैं कि आपने जो इन बच्चों के साथ अपना वादा किया था वो आप अपना वादा निभाएं, क्योंकि अभी कोविड के जो है वो केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। उसमें आज जो इनका कोर ग्रुप है, इसमें कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, जीएमसी कठुआ से हैं, जीएमसी सांबा से हैं, जो इनका 15 लोगों का कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि जितने इनके 1600 इम्प्लाइज़ हैं, हम सबसे पहले उनसे अपील करते हैं कि आप अपनी अपनी जगह जाके अपनी अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन करें। दूसरा, हम जहाँ पर आंदोलन कर रहे थे वहाँ से हमने अपने आंदोलन को ख़त्म कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया है। और इसके साथ साथ हम एलजी सरकार को चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि हम इन 3 महीने के अंदर हमारे लिए स्पेशल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए। ये जो 1600 इम्प्लाई है जिन्होंने फर्स्ट कोविड वॉरियर के तौर पे काम किया है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब कोविड फैला उसमें कोई ऐसा नेता नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा आदमी नहीं जिसको कोविड नहीं हुआ है। और खुदा जिस भी शख्स को कोविड हुआ है उसका इलाज करने के लिए उसके चेहरे के सामने जो लोग वहाँ अवेलेबल रहे ये वही चेहरे थे, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनके साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया है। आज इस एजिटेशन को ऑफ करने के बाद इस कोर ग्रुप का ये लोग अपनी अपनी जगह जाके ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, और साथ साथ हम एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो हम एलजी ऑफिस को भेजेंगे और एलजी साहब से कहेंगे कि आप इस पे चर्चा करिए, और साथ में एलजी साहब से अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि एलजी साहब से इनको टाइम लिया लेके दिया जाए ताकि ये जाके वहाँ पर अपनी पूरी बात को रख सके और इनके लिए एक स्पेशल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए। जहाँ तक आपने हमारी पार्टी का जिक्र किया, हमारे पार्टी प्रेजिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने पहले ही दिन से ही कहा है कि हम सच की राजनीति करते हैं और ये सच्चे और पाक पवित्र बच्चे हैं। ये वो लोग हैं कि जब कोई काम नहीं कर रहा था तब इन लोगों ने काम किया और उस समय अपनी सेवाएं दी। ये आप इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर देख सकते हैं कि तब लोगों ने क्या, उस समय ऐसे भी केसेस आए कि जब बाप ने बेटे को छोड़ दिया तब इन लोगों ने उन लोगों का सहारा बनकर उन लोगों के लिए काम किया। हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर या तो इनके लिए स्पेशल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए, जो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है। अगर आप इनको एक्सटेंशन देना चाहते हो तो हमें 3-3 महीने की एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें कम से कम 15 साल की एक्सटेंशन दी जाए और एनएचएम के इम्प्लाइज़ के अंडर डाला जाए। तीसरी, हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था जब वो यहाँ पे रैली करने आए थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी मिनिमम वेजेस एक्ट के नीचे नहीं काम करेगा। इनमें एनओ एक ऐसी कैटेगरी है, उनमें फीमेल मल्टीपर्पज़ ऐसी कैटेगरी है जिनकी पे जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट से कम है। हम एलजी साहब से अपील करेंगे कि इस 3 महीने की एक्सटेंशन के अंदर इनकी वो मिनिमम वेजेस एक्ट में इनकी पे भी लाई जाए ताकि ये भी अच्छे से अपना गुजारा कर सके। और साथ साथ मैं अपील करता रहूँगा एलजी साहब से कि आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्यों ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि जिस कोविड वॉरियर की तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री इससे लेकर एक आम आदमी ने की, उसको दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। देखिए, कोविड वॉरियर की बात की जा रही है और इन्होंने ये भी बता दिया कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको 1 महीने का वक्त दिया, अब 3 महीने का वक्त जो है ये मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त ये अपनी जो कॉल है उसको, जो प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसानियत को बचाना है। जो लोग कोविड से इस वक्त परेशान हो रहे हैं या जो लोग बीमार हैं, इस वक्त हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो लगभग पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि वो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब इन लोगों ने ये फैसला किया है कि हम भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कोई रूल लाती है या नहीं लाती। देखिए, इनकी डिमांड यही है, अगर हमें एक्सटेंशन देनी है तो 15 साल की दी जाए। जो 3-3 महीने का जो लॉलीपॉप इनको दिया जा रहा है वो नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चाहिए कि इनकी जो बातें हैं, जो उनका जो प्रोटेस्ट है आज जो ख़त्म कर रहे हैं, अब ये जो हॉस्पिटल में अपनी जो सेवाएँ हैं वो देने के लिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।